रहाम एक्सरसाइज बल्कि चैप्टर नंबर थ्री का लेक्चर नंबर फोर है और इंट्रोडक्शन भी पार्ट फोर है ठीक है तो इस लेक्चर में हम स्टडी uh, करेंगे डिस्कस करेंगे एक मेथड को लीनियर सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ठीक है तो जिस तरह पहले बहुत से मेथड्स आप पढ़ चुके हैं लीनियर सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस को तो सॉल्व करने के लिए तो हम आज डिटर्मिनेंट्स uh, या मैट्रिसेस के थ्रू uh, देखेंगे कि किस तरह से हम मैट्रिसेस के थ्रू एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो टॉपिक का न, uh, पहले तो चैप्टर का नाम हम लिख लेते हैं चैप्टर नंबर है थ्री और uh, टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं सॉल्यूशन ऑफ़ सामिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और सोल्यूशन है सामल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का बाई यूजिंग मेट्रेस अच्छा मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए नया सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस का तो आ, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम ठीक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं दो इक्वेशंस होंगी उसमें जनरल इक्वेशंस लेंगे ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू इज इक्वल टू बी वन और ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू इज इक्वल टू बी टू ये दो हमारे पास हैं लीनियर इक्वेशंस ठीक है इन दोनों को हम कहेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ठीक है तो इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के थ्रू तो इसको पहले हम मैट्रिसेस की फॉर्म लिख लेते हैं तो इसमें पहले मैं बताता चलूँ कि ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू जो है वो कॉन्सटेंट्स हैं ठीक है कॉफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स के और वेरिएबल्स क्या हैं एक्स वन और एक्स टू ठीक है एक्स वन और एक्स टू जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं वो वेरिएबल्स हैं और B1 वन और B2 तो टू जो है वो कांस्टेंट्स हैं ठीक है तो A11, वन वन A22 वन टू टू वन टू टू जो है कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल के कॉफिशेंट्स हैं और B1 वन और B2 टू जो हैं दोनों सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं अच्छा अब इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को तो वो किस तरह से लिखेंगे A11 को A11 को पहले फिर उसके बाद x2 का जो काफिशेंट है ए वन टू और फिर एक्स वन का कोफिशेंट जो है ए टू वन और एक्स टू का कोफिशंट आ जाएगा ए टू टू मतलब कि एक्स वन के कोफिशंट्स एक कॉलम में एक्स टू के कोफिशंट्स दूसरे कॉलम में ठीक है तो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा सही है और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे मतलब कि सिक्शन में जो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स वन और एक्स टू है ठीक है तो वही आ जाएंगे पहले एक्स वन लिख लेते हैं और उसके बाद एक्स टू एक कॉलम में लिखेंगे हम ठीक है वेरिएबल्स को तो आ, किस तरह से हमने लिखा पहले तो पहले कॉलम में एक्स वन के कॉपेशनस मतलब पहले वेरिएबल के कॉपेशनस और दूसरे कॉलम में दूसरे वेरिएबल मतलब कि एक्स टू के कॉन्डेंट्स आ गए ठीक है इससे टू क्रॉस टू का एक मैट्रिक्स बन गया उसके बाद उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को ठीक है वेरिएबल्स को हमने एक कॉलम में लिखा पहले एक्स वन आया उसके बाद सेकेंड रो में और उसी कॉलम में एक्स टू आया फिर हम डालेंगे इक्वल का साइन और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वल के बाद जो कॉन्सटेंट्स हैं हमारे पास बी वन और बी टू वो हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे ठीक है अगर बी वन और बी टू भी लेफ्ट साइड पे होते हैं और यहाँ पर ज़ीरो होता है तो पहले हम बी वन और बी टू को इक्वल से राइट right साइड पे लेकर जाते हैं ठीक है तो वो माइनस साइन होता है प्लस साइन होता है साइंस का ख्याल उसी से होगा कि पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे उसके बाद उससे हम आ, ये फॉर्म जो है मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं उससे ठीक है तो उसके बाद आ, हम इन मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ठीक है इस मैट्रिक्स का नाम मैं लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स इसको कह देते हैं ये ए मैट्रिक्स है उसके साथ जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उसको एक्स से डिनोट कर देते हैं ठीक है इज इक्वल टू और इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी से डिनोट कर देते हैं तो मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इन टू ए इज इक्वल टू बी अच्छा अब हमने फाइंड क्या करना होता है इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फ़ाइंड की जाती हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पर हमने मतलब कि एक्स वन और एक्स टू जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में तो उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो कि मैट्रिक्स के थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं ठीक है थेके? तो हम एक्स जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसमें वो वेरिएबल्स आ रहे हैं ठीक है थेके? जिसको हमने जिसकी वैल्यूज़ को हमने फ़ाइंड करना है तो मतलब कि एक्स इज़ इक्ल टू समिंग होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि x की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए को हम हमने यहाँ से ख़त्म करना है लेफ्ट साइड से तो वो ए कैसे ख़त्म होगा जैसे हमने मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो मतलब कि ए के साथ मैं आ, इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैट्रिक्स ख़त्म हो सकता है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बन जाएगा ठीक है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही हमारे पास आएगा तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि जब मैं लेफ्ट साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन में मैं ए इन्वर्स को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करूँ तो फिर मुझे राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स और साथ में ए पहले से मौजूद है और एक्स भी पहले से मौजूद है इज़ इक्वल टू अब ये यहाँ देखें कि ऑर्डर का ख्याल रखना है कि पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है ठीक है तो राइट right साइड पे भी पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा मतलब कि बी के बाद नहीं बी से पहले ए इनवर्स इन टू बी अगर बी के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास गलत आएगा ठीक है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मतलब कि कमिटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस सेटिसफाई नहीं करते ठीक है तो आ, मतलब कि पहले मैंने अगर यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पर भी ए, मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा अगर ये मैं बाद में मल्टीप्लाई करता तो राइट right साइड पे भी बी के बाद मल्टीप्लाई करता है ठीक है तो अब इसको आगे लेकर चलते हैं ए मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा मतलब कि ए मैट्रिक्स हुआ है टू क्रॉस टू का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई टू उसे कह देते हैं टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स हुआ इन टू एक्स हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि हम आ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आएगा ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बल्कि आ, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा जिस तरह से यहाँ पर आई टू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास भी रिजल्ट में एक्स ही वापस आएगा ठीक है कोई फ़र्क इसमें नहीं आएगा एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आपके पास आए तो ये हो गया एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी अब यहाँ से मैंने ए को ख़त्म कर दिया लेफ़्ट साइड से ठीक है तो यहाँ अगर मैं राइट साइड पे वैल्यूज़ ले आता हूँ तो फिर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का रिजल्ट भी आ जाएगा ठीक है तो अब ए इनवर्स इन टू बी बी मैट्रिक्स हमें पता है क्या है ठीक है ये बी मैट्रिक्स है अब ए इन्वर्स क्या है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ए मैट्रिक्स का पता है उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा तो ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं ए इन्वर्स इक्वल होगा किसके इक्वल होगा हम फार्मूला पढ़ चुके हैं वन ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू टू ऑफ ए ठीक है तो ए डिटर्मिनेट क्या होगा ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू इसका डिटर्मिनेंट अच्छा अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट्स जो है वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए वन वन इन टू ए टू टू ठीक है उसके बाद माइनस का साइन और फिर सेकंड और थर्ड जो एंट्रीज uh, हैं वो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी मतलब कि ए वन टू इंटू ए टू वन तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट और अब एड जॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं ऐट जॉइंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू है, A, है आ, किस तरह से एड जॉइंट फाइंड करते हैं हम किसी मैट्रिक्स का के फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स uh, जो एंट्रीज uh, हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से ठीक है एक्सचेंज कर देते हैं उनकी लोकेशन जो हैं तो ए टू टू यहाँ पर पहले आ जाएगा ए टू टू और ए वन वन यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब आ, और इसके अलावा क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड इंट्रीज जो हैं एलिमेंट्स जो हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं मतलब प्लस हैं तो माइनस कर देंगे माइनस हैं तो प्लस कर देंगे इस केस में ये प्लस हैं दोनों तो ही तो दोनों ही के साथ माइनस आ जाएगा माइनस ए वन टू और ये भी माइनस ए टू वन ये हमारे पास एड जॉइंट भी आ गया ठीक है अब हम इसके फार्मूले में पुट कर देते हैं इनवर्स के तो हमारे पास ए इनवर्स भी आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट क्या है ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन इन टू एड जॉइंट ऑफ ए क्या है ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन माइनस ए टू वन और ए वन वन ये मैट्रिक्स है एड जॉइंट मैट्रिक्स अच्छा अब ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स ए इनवर्स हम फाइंड uh, क्यों कर रहे थे क्योंकि हमें ये सॉल्व करने के लिए चाहिए था ठीक है यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू और साथ में बी मैट्रिक्स हमें पहले से पता है ठीक है और एक्स uh, जो है वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूस हम फाइंड करें तो इसमें हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा x इज इक्वल टू क्या है a इनवर्स b ठीक है तो x मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है वो भी लिख लेते हैं x1 और x2 ये मैट्रिक्स है x मैट्रिक्स ठीक है इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स इसके इक्वल है तो उसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ वन ओवर ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन इंटू जो मैट्रिक्स है ए टू टू माइनस ए वन टू ए माइनस ए टू वन और ए वन वन ये हो गया इनवर्स की वैल्यू ठीक है साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हम फाइंड कर चुके हैं नहीं बल्कि x इज़ इक्ल टू ए इनवर्स ऑफ बी है ठीक है तो x की वैल्यू पुट की ठीक है मतलब x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की उसके बाद a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई साथ में क्या है b मैट्रिक्स b मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b मैट्रिक्स किसके इक्वल है b मैट्रिक्स हमने ऊपर देखा था b1 और b2 के इक्वल है ठीक है उसके इंट्रीज में b1 और b2 है दोनों कॉन्स्टेंट्स b1 और b2 तो ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशंस में आ, मतलब उस इक्वेशन में हमने उनकी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट की अच्छा अब यहाँ से आ, जो रिज़ल्ट बनेगा तो हम वहाँ से आ, x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड देख सकते हैं कि क्या आती हैं लेट्स सपोज राइट right साइड को सॉल्व करने के बाद मतलब कि पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैटिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसके बाद इस कांस्टेंट से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है सी और डी सी स्मॉल सी है और डी ये जो है एंट्रीज आती हैं राइट साइड पे ठीक है सॉल्व होने के बाद सपोज कर रहे हैं हम ठीक है कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन सपोज ये कर रहे हैं कि ये राइट right साइड को सॉल्व करने के बाद ये एक मैट्रिक्स बनता है और लेफ्ट साइड पे तो मैट्रिक्स हमें पता है एक्स वन और एक्स टू है ठीक है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स वन जो है सी के इक्वल है एक्स वन इज इक्वल टू सी है और एक्स टू जो है वो इज टू डी है ठीक है तो ये वैल्यूज इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अब सी की जगह क्या है वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ये जनरल मैट्रिसेस हैं इनको सॉल्व करके हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी ठीक है तो आ, अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो ठीक है कोई एक मैट्रिक्स नंबर मैट्रिक्स की वन हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ठीक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अच्छा अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिस प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है ठीक है तो कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस, ठीक है matrices, commutative प्रॉपर्टी with रेस्पेक्ट टू एडिशन ठीक है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन तो satisfy करते हैं लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन satisfy नहीं करते हैं. तो मतलब के ए प्लस बी ए और बी कोई से भी दो matrices हैं तो ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के हमेशा इक्वल होगा ठीक है मतलब के ऑर्डर हम चेंज करके दो मैटिसज को ऐड कर सकते हैं सही है तो मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कम्पटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती मेटिसज की मतलब के मेट उसको सेटिसफाई नहीं करेंगे अच्छा तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्किलर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केर मल्टीप्लीकेशन अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केर मल्टीप्लीकेशन क्या है लेट सपोज ए जो है वो एक मैट्रिक्स है और सी डी जो है स्मॉल सी डी वो दो कांस्टेंट्स हैं ठीक है थेके? तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये सी डी जो है ये कांस्टेंट्स हैं ठीक है थेके? इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर ए मैट्रिक्स के साथ तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल इस तरह से भी आ सकता है कि डी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं ए के ए मैट्रिक्स के साथ और उसके बाद मैं सी को मल्टीप्लाई करूं या फिर सी डी को इकट्ठे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ ठीक है जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया जाए मतलब कि पहले मैं कॉन्सटेंट्स को मल्टीप्लाई करूं उसके बाद मैं जो है मैट्रिक्स के साथ उनको कॉन्सटेंट्स को मल्टीप्लाई करूं या फिर किसी एक कांस्टेंट को पहले मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं उसके बाद दोबारा दूसरे कांस्टेंट को मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट सेम आएगा ठीक है रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विध रेस्पेक्ट टू एडिशन जिस तरह से कमिटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी सेटिसफाई करते हैं लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नहीं सेटिसफाई करते मैटिस तो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं लिख देता हूँ ए बी और सी कोई से भी अगर तीन मैटिस हैं ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इनका रिजल्ट सेम होगा ठीक है अच्छा इसमें जो है एडिशन के लिए आ, तीनों मैट्रिकस का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए ठीक है अगर ए मैट्रिक्स जो है वो टू क्रस टू का है तो बी भी टू क्रस टू का होगा और सी भी टू क्रस टू का ही होगा तब जाके ये आपस में ऐड हो सकेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे अच्छा अब जो है मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी को पहले आपस में ऐड कर दूं उसके बाद मैं सी को ऐड करूँ या फिर बी और सी को पहले मैं ऐड करूँ और बाद में ए को ऐड करूँ तो रिज़ल्ट सेम आएगा ठीक है इस इक्वल का यही मतलब है कि रिज़ल्ट सेम आएगा अच्छा उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है नल मैट्रिक्स ठीक है नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सब एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं तो मतलब कि ए मैट्रिक्स है अगर कोई सब एक मैट्रिक्स अगर मैं उसके साथ ऐड करता हूँ नल मैट्रिक्स ये ओ मैट्रिक्स जो है वो उसमें सब जो एलिमेंट्स हैं उसके ज़ीरो हैं ठीक है ए के साथ मैं उसको ऐड करता हूँ तो या ए में उसको ऐड करता हूँ या फिर उस मैट्रिक्स में ए को ऐड करूँ तो रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा ए आएगा ठीक है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि यही है कि उसके साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ मैं करूं, तो में ऐड करूँ तो रिज़ल्ट में वही मैट्रिक्स हमें मिले ठीक है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है जो वो मैट्रिक्स है और एडिटिव आइडेंटिटी होगा ठीक है तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव प्रॉपर्टी नंबर फाइव है एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी भी लाई करती है मैट्रिक्स में उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लाया करता है ठीक है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है स्केलर मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन 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 प्रिंसिपल डायगोनल में होते हैं और बाकी सब ज़ीरो होते हैं ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं ठीक है तो उस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ मतलब कि इस ये आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ए मैट्रिक्स के साथ या फिर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट में वापस वो ही मैट्रिक्स मिलेगा ए ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है मैट्रिक में अच्छा उसके बाद हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है Distributive property with respect to scalar multiplication. Distributive property with respect to scalar multiplication. अच्छा इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज सी जो है वो एक कांस्टेंट uh, है ठीक है स्मॉल सी एक कांस्टेंट है और ए कैपिटल ए और कैपिटल बी जो हैं वो दो मैटिसज हैं तो उनकी उन दोनों मैटिस की एडिशन के साथ सी जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले एडिशन परफॉर्म कर लें उसके बाद सी को कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लें कांस्टेंट uh, को मैं स्मॉल करके लिखता हूँ कांस्टेंट को मैट्रिस uh, के साथ लहदा लहदा मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनको ऐड कर लें तो रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा ठीक है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं associative property with respect to multiplication, associative property with respect to multiplication. जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि with respect to multiplication exist नहीं करती, मतलब कि उसका मतलब ये था के ऑर्डर चेंज किया जाए मल्टीप्लिकेशन का तब एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है ऑर्डर सेम रखा जाए तो आ, उससे को फिर जो है वो सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जैसे कि ए बी और सी जो है तीन मैट्रिसेस हैं अगर ठीक है तो अगर मैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लूँ उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करूँ या फिर बी सी जो है दोनों मैट्रिक्स उनका उनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लूँ उसके बाद मैं ए मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ मतलब कि ए को मैं बाद में रख दूँ या बी और सी के दरमियान में रख दूँ तो इनके रिज़ल्ट इक्वल नहीं आएंगे ठीक है तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी मैटिस की जो जो ये प्रॉपर्टीज़ सेटिसफाई uh, करते हैं ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देखा आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज़ भी देखी ठीक है तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज़ थ्री पॉइंट वन स्टार्ट करेंगे